ये तस्वीर गढ़वा के जिला स्वास्थ्य अस्पताल की है, जहां मरीज अब खुद को कोरोना के पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट के बीच उलझा हुआ पा रहे हैं। दरअसल जिले में 24 घंटे के अंदर बिना इलाज के 4 कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, वहीं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी वो पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है कि जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया गया उनमें से कुछ के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल भी नहीं लिए गए थे। मुझे स्वास्थ्य विभाग गढ़वा के द्वारा 17/7/2020 को कोरोना जांच रिपोर्ट एक मिली थी, जिसमें मुझे बिना जांच का सैंपल दिए ही मुझे कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि गढ़वा जिला चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा किया गया था, गढ़वा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया था, और मेरे सहित हमारे प्रखंड के 4 अन्य कर्मियों को भी कोरोना पॉजिटिव बताया गया था, जिसमें मैंने जब रिपोर्ट को पढ़ा और इसके बाद 18 तारीख को सुबह मुझे वीडियो खरंदी के द्वारा कॉल करके बताया गया कि सर आप कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं, आप किसी के टच में ना आए। इसके बाद मुझे काफ़ी खेद हुआ और स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही पर हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि जब एक जिम्मेवार व्यक्ति का एक प्रमुख को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही किया जा सकता है, तो फिर आम मजदूर के साथ इनकी क्या हालात होगी जो आज कोरोना का तादाद इतनी बड़ी संख्या बढ़ रही है। इसमें स्वास्थ्य विभाग गढ़वा की लापरवाही के कारण एक निश्चित रूप से बड़ी सवाल खड़ा हो रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में सीएस अपनी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि इसमें कोई चूक नहीं हुई है। ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव रिपोर्ट 3-4 दिन में नेगेटिव हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी दूसरी कोरोना जांच पहली रिपोर्ट आने के 24 घंटे के अंदर करा ली गई। भले ही सिविल सर्जन सफाई दे रहे हैं कि कोई भी मरीज 3-4 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है, पर वर्तमान स्थिति को देखकर इस पर विश्वास करना असंभव मालूम पड़ता है। मुझे प्रमुख महोदय तो जैसा बताया जा रहा है, लेकिन वो हाइप में है, उन्होंने नाम दिखाया, नाम दिखाने के बाद वो बोलते हैं कल छोड़ के चले गए, इसका अभी कोई प्रमाण अभी नहीं मिला है। ठीक है, तो चले गए तो आप 4 दिन तक कहाँ थे जो दोबारा कैमरा सैंपल नहीं लिया गया, तो ये तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, जवाबदेह आदमी है। उसके बावजूद भी हमने कहा कि जो है ठीक है, आपको संदेह लग रहा है कि इसकी रिपोर्ट में कुछ त्रुटि है, तो आप हमारे यहाँ नगर में ट्रूनेट मशीन है, उसमें आपके जाँच करानी, और वो जाँच में करा के मीडिया में पहले ही किए हुए थे। उसके बावजूद वो कल जो है कल झारखंड में कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, रिकवरी रेट में भारी गिरावट आई है, मृत्यु दर भी बढ़ गई है। इन सब के बीच गढ़वा में पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट के बीच मरीजों से खिलवाड़ करना कहां तक उचित है? बिना सैंपल के कैसे किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव बताई जा सकती है? 3 दिन के अंदर कैसे किसी की कोरोना रिपोर्ट 2-2 बार आ सकती है? ऐसे कई सवाल हैं जो स्वास्थ्य विभाग को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं।